अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। हम लोग अपना लेक्चर अभी 5 मिनट में शुरू करते हैं ताकि मज़ीद लोग आ जाएं। 5 मिनट में नहीं बल्कि बस 10, 1 मिनट में शुरू करते हैं तकरीबन, ताकि मज़ीद लोग आ जाएं और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करेंगे जुहेब इकबाल के क्वेश्चन से, जो कि इन्होंने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करता हूँ ताकि सब लोगों को इसका आइडिया हो, क्योंकि आप लोगों ने तो एक्सप्लोर किया नहीं है। चलिए, जुहेब ने एक्सप्लोर किया है तो उसका बेनिफिट तमाम लोगों को हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अपडेट है। किस चीज़ की अपडेट है? कोई टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। आई डोंट नो कौन सा टेस्ट है, किसने बनाया है, क्या टेस्ट है। आप लोग का कब है? मंडे को टेस्ट है, सॉरी मंडे को कह रहा हूँ, कब टेस्ट है, ये क्या डेट है, क्या डेट कल टेस्ट है आपका। ठीक है, वेडनेसडे को आपका टेस्ट है और 29 जुलाई 2020 को और 1 बजे दोपहर को। ठीक है, ठीक है जनाब, आप लोगों ने टेस्ट अटेंड करना है। वैसे तो ये आप लोगों का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट मेरा है, क्योंकि हम लोग हेड ऑफिस इस टेस्ट के जरिए जानना चाहता है कि हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस ली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है, वो जानना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को वही नॉलेज डिलीवर हुआ है, उसी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस से नॉलेज डिलीवर हुआ है जिस तरह से फिजिकल क्लासेस का होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टेस्ट नहीं है बल्कि किसका टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट है। और टेस्ट के अंदर क्या होगा, 1 सेकेंड, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, सिर्फ 1 सेकेंड दें, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा जी, आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो 20 मिनट का होगा। ठीक है, और एमसीक्यूज टाइप होगा। ठीक है, एमसीक्यूज आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि एमसीक्यूज क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक सवाल होता है, उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं और आपने उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होती है उसको चूज करना होता है। उसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि किस टाइप का टेस्ट, मतलब एमसीक्यू टेस्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा ये मैंडेटरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप इस टेस्ट को अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप अगर आप इस टेस्ट को अटेंड नहीं करेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज़ है, ग्रुप जो टेस्ट का लिंक है वो जो है उसमें पोस्ट कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप इसको अपने लैपटॉप और इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए जो है वो अटेंड कर सकते हैं। इंटरनेट का होना ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट और बता दूँ कि ये टेस्ट है, इसके अंदर अगर आप अपने टेस्ट के पेज को रिफ्रेश करेंगे या अपने स्क्रीन चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट चल रहा है और मैंने यहाँ पे दूसरी स्क्रीन को रिफ्रेश किया या दूसरी पेज के ऊपर गया, तो आपका जो टेस्ट का पेज है वो आपको डिसक्वालीफाई कर देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि आप जिस आपका जो टेस्ट का पेज है आपको सिर्फ वही वाला पेज ओपन करके रखना है अगर आप उसको रिफ्रेश करते हो, नंबर 1। नंबर 1, अगर आप दूसरी स्क्रीन को चेंज करते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो इससे भी आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपका जो टेस्ट का लिंक है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो मैंने आपको ये बताया है कि कल टेस्ट है, नंबर 1 मैंने आपको ये नंबर 2 मैंने आपको ये बताया है कि वो 1 बजे टेस्ट होगा। ठीक है, 20 मिनट का टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यूज से रिलेटेड होगा और मैंडेटरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपकी जितनी मर्जी अटेंडेंस हो या आपने जितनी मर्जी अर्निंग की हो, आपकी जितनी मर्जी प्रोफाइल्स हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उस टेस्ट को जो है वो अटेंड करना है, वरना आपको ग्रेजुएशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा।
और उसके अलावा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने इस अपने टेस्ट वाले पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। अगर आप अपनी स्क्रीन चेंज करेंगे या टेस्ट वाले पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई का मतलब ये है कि आपका टेस्ट उसी वक्त जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आपके पास दोबारा से ऑप्शन नहीं आएगी कि आप उसको दोबारा से अटेंड कर सकें। ठीक है जी, तमाम बातें समझ आ गई हैं आप सब लोगों को। ये जो लेक्चर है ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे सेंटर हैं 32 या मैक्सिमम 36 सेंटर जो ओपन वर्किंग कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट एक साथ ही पूरे पंजाब के अंदर ये वाला टेस्ट जो है वो कल अटेंड करेंगे। ठीक है, टेस्ट में कौन से क्वेश्चन होंगे? टेस्ट के अंदर आपके से क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आप मार्स पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या बनाना है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बिरयानी कैसे बनाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपसे। ठीक है, आप मुझे खुद बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन होंगे। डेफिनेटली जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही वाले क्वेश्चन होंगे। वो आपसे फॉर एग्जांपल पूछेंगे कि एसईओ क्या चीज़ होती है, आपसे पूछ लेंगे कि बैकलिंक बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो आपसे ही पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पिक्सल्स क्या चीज़ होती है, या मैक्सिमम वो आपसे ही पूछेंगे कि फाइवर के ऊपर आप डेली की कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि फ्रीलांसर के ऊपर कनेक्ट्स क्या होते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइवर के ऊपर एक अच्छी प्रोफाइल के कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन होंगे। या वो आपसे ये पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रीलांसिंग की हेल्प के लिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा और आपसे क्या चीज़ पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बिरयानी कैसे बनानी है, या मार्स पे जाने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, या कल बारिश हो रही है नहीं हो रही है, या ईद के ऊपर क्या होने वाला है। ठीक है, वो आपसे वही चीज़ें पूछेंगे जो कि आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं, और बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ वो करना है। कितने एमसीक्यूज होंगे मुझे नहीं पता है कितने एमसीक्यूज होंगे, मेरे ख्याल से 20 20 एमसीक्यूज होंगे। अगर 20 मिनट का है तो 20 20 होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता है कि किसने टेस्ट बनाया है क्या है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताया गया है और अभी रात को बताया गया है कि आपके साथ आपका ही टेस्ट होगा इस तरह से। ठीक है, और आपने इसको अटेंड करना है, और इसकी मैंडेटरी है तमाम लोगों के लिए। ठीक है, तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इस टेस्ट को अटेंड करें। पास फेल का इसके अंदर कोई सीन नहीं है, हम लोग सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई है, कि आपको प्रॉपरली नॉलेज डिलीवर किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको वही नॉलेज दिया गया है जो कि एक फिजिकल क्लास में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ठीक है जनाब, और एक चीज़ मैं आपको एक भी बता दूं कि जब हम लोग सर्टिफिकेशन की, ये आप जो यहाँ पे चीज़ पढ़ रहे हैं एक सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के अंदर पास फेल नहीं होता है, डिग्री के अंदर पास फेल होता है। इतनी बेसिक चीज़ तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइट्स का भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके अंदर पास फेल नहीं होता, उसके अंदर बस आपको नंबर बता दिए जाते हैं, चाहे आपके सबसे कम नंबर हो आपको उसमें भी फेल कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। वो और किस इस तरह के क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये पूछ लेंगे, और क्या पूछेंगे। आई होप आप लोगों का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने यहाँ से जुहेब के क्वेश्चंस के आंसर से शुरू करना था। सर हमने काम नहीं किया तो आप क्या गलती तो नहीं होगी, सर अगर टेक्नोलॉजी चेक करनी है तो इसका क्या चक्कर है। हाँ जी, नॉलेज चेक करना है तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कहीं आप क्वेश्चन आंसर गूगल से सर्च करके तो नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं आपके दिमाग के अंदर कितना नॉलेज है, ये चेक नहीं करना चाह रहे कि गूगल के ऊपर से आप कॉपी करके हमारे साथ कितना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देंगे रहीम यार खान इतनी दूर है, मैं सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी के अंदर आया हूँ रहीम यार खान,
और वहाँ पे भी इतनी ख़राब रोड थी, तकरीबन 2 साल पहले आया था और वहाँ पे उस वक्त शुगर केन का सीज़न चल रहा था और बहुत मुश्किल सफ़र था भी कोई थोड़ा। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा ट्रक देखे थे, कितने होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे। अच्छा, अगर एडमिशन वाला टेस्ट क्लियर हो गया है तो, हाँ एडमिशन वाला टेस्ट कितना बेसिक सा था, ठीक है, उसमें कोई आपसे ऐसी चीज़ तो नहीं पूछी गई थी, सेम उसी टाइप का, उसी उससे बेसिक, उससे थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस से मुड़ा दिया जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसी चीज़, उसी चीज़ों से रिलेटेड होगा। किस वेबसाइट पे होगा ये जो होगा टेस्ट, ये होगा गूगल क्लासरूम पे होगा। सिर्फ आपको लिंक ओपन करना है, आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपने उसको फिल कर देना है, डायरेक्ट से फिल भी नहीं करना, सिर्फ सही जो आंसर है उनको सेलेक्ट करते हुए जाना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं यार, ये टाइम के साथ ही एक्सपीरियंस होगा कि हम हो जाएंगे पर टेस्ट में, तो कुछ नहीं होता हमको, आपको कौन सा टेस्ट से बाहर निकाल, किस तरह से, मेरे ख्याल से गूगल फॉरम पे होगा या गूगल क्लासरूम पे होगा। अब लोग ठीक हो गई हैं टेस्ट की वजह से, बच्ची आज छुट्टी ऑनलाइन है, ठीक है, बच्चे लोग हम जो पढ़े हैं सब वही आएंगे, इतना बुरा भी नहीं है। फिर सर कल टेस्ट इंटरेस्टिंग होगा, कल कौन सी जगह पर, जोहेब इकबाल कौन सी जगह पर, क्या कह रहे हैं आप सर, लैपटॉप में और मोबाइल दोनों में एक यूज़ कर, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो आप फिर वो वाली पाकिस्तानी वाली बात कर रहे हैं ना कि लैपटॉप से आंसर दें और मोबाइल से उसको सर्च कर लें, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईमानदारी के साथ खुद से करें। हाँ जी, जो लिंक है आपके टेस्ट का वो ग्रुप में आएगा, वो आपके लैब मैनेजर जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे। आपके पास 20 मिनट होंगे, 20 मिनट के अंदर अंदर जिसने वो अटेंड कर लिया ठीक है, जिसने अटेंड नहीं किया तो उनका कंसिडर नहीं करेगा। बिल्कुल, कल क्लास भी होगी। आई डोंट, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इस टेस्ट को हवा क्यों बना रहे हैं, बेसिक सा टेस्ट है इसको दें। मैंने तो पूरे लेक्चर लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, अच्छा ये भी सही है। ठीक है, बिल्कुल, 1:20 के बाद आपका टेस्ट ओपन नहीं होगा। जैसे रहीमिया खान ने, कौन सी जगह थी वो, आई डोंट थिंक यूनिलीवर की कोई बिल्डिंग थी, उसके पास कोई जगह थी, मैं वहाँ पे ऑडिट के लिए आया था। दिनो टाइम की क्लास, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आए तो आप लोग जो है ना जो लेट कमर आते हैं ये देख लें, दिनो टाइम फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लेट कमर वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ कल क्लास होगी कि नहीं, सिर्फ 1 मिनट दें। अच्छा, और एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का कल टेस्ट है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की कल आखिरी क्लास है, ठीक है, आप लोगों की क्लास जो है वो ईद के बाद भी 1 वीक तक चलेगी, जैसे कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि आपकी 60 क्लासेज होंगी, तो 60 की 60 क्लासेज होंगी, यानी कि आप लोगों को जो 12 एक्स्ट्रा क्लासेज मिल रही हैं वो आपको पूरी की पूरी मिलेंगी, ठीक है। जो बंदा टेस्ट में लेट हो जाएगा डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 मिनट लेट आ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के, 1:20 पे आपका जो क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यार तुसी लेट क्यों हो। अच्छा फैसल मकसूद, आप क्या ओमान से हैं, कहाँ से हैं, क्योंकि हमारे स्टेट्स के अंदर एक बंदा ऐसा भी है जो कि ओमान से ऑनलाइन आता है, वैसे तो यूएई से भी आता है, एक दो लोग जो हैं वो सऊदी अरब से भी आते हैं, आपने वो ओमानी टोपी पहनी हुई है तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आप ओमान से ले रहे हैं लेक्चर। सर अब क्लास लाजमी नेट, ठीक है, हाँ जी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारी आज की क्लास है, हम लोग मज़ीद थोड़ा सा फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप लोग पैसे वगैरह कमा सकते हैं या उसको ट्राई कर सकते हैं पैसे वगैरह कमाने की, आप लोग फेसबुक के ज़रिए किस तरह से पैसे कमाते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जुहेब, क्या नाम है, जुहेब इकबाल के, सर रिक्वेस्ट है पार्टिकुलर वेबली पे बैकलिंक बना, तला अरशद अपनी वेबली की डिटेल्स दें लॉगिन, मैं आपको यहाँ पे बनाकर भी दिखा देता हूँ। एनीवे जब तक आप मुझे लॉगिन डिटेल्स सेंड कर लें, मैं इतने जुहेब इकबाल के क्वेश्चन का आंसर कर दूँ।
सही बात है, कमर्शियल आजाद, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि ASNI क्या चीज़ होती है। ASNI जो होती है कोड होता है। आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ASNI का कोड लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट मुझे मिलती है, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन के ऊपर आप कोई भी जाता है ना, तो ये इन्वेंट्री कोड होता है। इन्वेंट्री कोड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजोन के पास आपने 1,000 शूज भेजे हैं, ठीक है, तो अमेजोन ने क्या किया होता है, हर प्रोडक्ट हर शूज के ऊपर एक नंबर दिया होता है। नंबर देने का मकसद ये होता है ताकि वो उसको ट्रैक कर सकें। ठीक है, बात समझ आ रही है सर? फाइबर पे गैस को, ठीक है। तो ASNI क्या होता है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड्स बने हुए होते हैं, इसी तरह अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को ASIN जो है कोड असाइन किया हुआ होता है, ताकि वो प्रोडक्ट को क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की है, तो इसका ASNI कोड कहाँ होगा? ये इसको आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका ASNI कोड मिल जाएगा। ठीक है, किस लिए होता है ये कोड? इसलिए होता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजोन के पास आपने ये 100 100 बैग भेजे हैं, तो अमेजोन ने क्या किया हुआ है, हर प्रोडक्ट को एक ASNI कोड असाइन किया हुआ है, ताकि आप एक एक प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकें। ठीक है, और ये कोड आपने खुद से क्रिएट करना है, अमेजोन को देना है। तो इसके अंदर जो आपने ये गिग देखा है, तो उसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर आपके ASNI कोड फिक गलत बने हुए हैं या सही नहीं बने हुए, तो अगर उसमें कोई गलती है तो मैं आपको वो कोड बना दूंगा। ठीक है, ऐसी रैंडमली नंबर्स होते हैं, सिर्फ मकसद ये होता है कि ये वाले कोड जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को साइन कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन किया है कि HTML डिस्क्रिप्शन क्या होती है। HTML डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगर के ऊपर अगर आप जाते हैं, ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्शन होती है ना, जैसे कि मैं ऐसे करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ तो ये क्या चीज़ है, प्लेन डिस्क्रिप्शन है। अगर मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं, इसको मजीद बेहतर करना है, मजीद बेहतर से मुराद ये है कि मैंने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट को कलर करना है, कुछ टेक्स्ट को फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लिखा हुआ है, इमेज ऐड करना है मैंने, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की हेडिंग देनी है मैंने, या मैंने बुलेट्स पॉइंट्स डालने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, HTML, इसको ये तमाम के तमाम काम HTML में कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला ऑर्डर आता है तो आप अपने ब्लॉगर को ओपन करें, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कंपोजर के साथ क्या ऑप्शन लिखी हुई है, HTML की लिखी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करें, कंपोजर के अंदर जाके प्रॉपरली जिस तरह की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप इसको लिखें, ठीक है, इसको कलर करना है आप इसको कलर करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको रेड कलर करना है, तो आप जब आप अपने क्लाइंट को डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आप जब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो इसकी जो कलर स्कीम वगैरह और जितनी भी इसकी स्टाइलिंग, वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। तो अगर आपका क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे सारी सारी स्टाइलिंग चाहिए, तो आप HTML पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला कोड जो है वो अपने क्लाइंट को देंगे। ठीक है, जब ये वाला आपका क्लाइंट ये वाले कोड जो कॉपी पेस्ट करेगा, तो उसके पास जो आपने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है, कोई फोटो ऐड की हुई है, बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, हेडिंग्स ऐड की हुई हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है इंफॉर्मेशन उसके पास, क्लाइंट के पास चली जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इम्प्रेसिव इमेज, उसका मतलब ये है कि आपका क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला इमेज दे देगा, ठीक है, वो आपको कहे, ठीक है, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको ये वाला इमेज दे देगा। आपका क्लाइंट ऐसा भी कर सकता है कि आपको एक ऐसा इमेज दे, उसके पीछे बैकग्राउंड लगाओ, तो आपने इसको इम्प्रेसिव कैसे बनाना है, आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके बना सकते हैं, आप इसके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है, आप इस तरह से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये वाली एडिटिंग आप किस तरह से, कौन से सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, अगर आपको अडोब फोटोशॉप आता है आप उसके अंदर कर लें, उसके अलावा आप इसको कैनवा के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट, आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स देंगे अमेजोन की, उसकी पिक्चर्स देंगे, मैं उनको मजीद बेहतर कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लाइंट क्या करे, लो क्वालिटी की फोटो दे, आप उसको हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, समझ आ गई है? इसके अलावा इस तरह से भी बनाकर दे सकते हैं आप क्लाइंट को। ठीक है, जो आपको इमेज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रही है। ठीक है, उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजर की बात की हुई, ये सेम वही वाला क्वेश्चन है जो कि आपका पहले वाला क्वेश्चन था शॉपिफाई के ऊपर। अगेन से फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1,000 प्रोडक्ट्स डाली हुई है, तो आपने उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रखना है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रोडक्ट सेल हो गई हैं, कौन कौन से कलर की प्रोडक्ट सेल हो गई हैं। ठीक है,
ताकि आप उसका रिकॉर्ड रख सकें। तो अगर कोई कहता है कि मुझे इन्वेंट्री मैनेजर चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये एक्सेल की जो शीट होती है उसके अंदर हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सोल्ड हो गई है, तो उसके लिख देंगे प्रोडक्ट सोल्ड हो गई है। उसके आगे ये लिख देंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट 3 कलर्स में थी, इसमें से एक ये वाली कलर की सोल्ड हो गई, ये वाली कलर की प्रोडक्ट्स इतनी रह गई, ये वाली कलर की प्रोडक्ट्स इतनी रह गई। ठीक है, तो ये सारा आप अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर से देखकर उसका रिकॉर्ड बनाकर अपने क्लाइंट को अपडेट करते रहेंगे, ताकि उसको पता हो कि उसके पास कितनी इन्वेंट्री रह गई है, उसको कितनी इन्वेंट्री मजीद परचेज करनी है। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो ये सारा डेटा एंट्री टाइप का काम है। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। अमेजोन को पता होना चाहिए ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 बैग भेजे हैं, तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैग रिटर्न हो गया है, कौन सा बैग डैमेज है, कौन सा क्या है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको ट्रैक करने के लिए ASNI कोड डालता है, जिस तरह के बार कोड्स नहीं होते हैं उस तरह से। ठीक है, तला आपने मुझे अपने जो लॉग इन डिटेल्स हैं वो आपने मुझे मैसेंजर पे भेजनी है। ठीक है, उसका यूजर नेम पासवर्ड, और इसके अलावा यहाँ पे मैं किसी को क्वेश्चन अगर मिस कर दिया तो मुझे बता दें। सर टिन वाले का क्या मतलब, टिन क्या चीज़ है, ये कहाँ पे चीज़ है टिन। हम हाशिम बलोच से बताएं कि टिन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इरफान अरशद, अगर आप बाइक को दूसरे मुल्क के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो आप अमेजोन के ऊपर भी लगा दें, अलीबाबा पे भी लगा दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अलीबाबा का मुझे पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, अमेजोन का मुझे नहीं पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। अमेजोन के लिए तो डेफिनेटली आपको स्टोर ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 5,000 से $10,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अलीबाबा के ऊपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले आई डोंट नो कि वो कोई फीस चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर कोड रन होने के बाद भी इस ग्रुप में वीडियोज रहेंगी। अच्छा जी सर, मतलब सब मतलब के सारा आर्टिकल HTML की फॉर्म में देंगे। सारा आर्टिकल नहीं देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, आपका क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के उसके अंदर मुझे कलर करके दो, कलर ऐड करके दो, इमेज ऐड करके दो। ठीक है, वो आपसे कह सकता है कि मेरी प्रोडक्ट 3 चीज़ों में मेरी प्रोडक्ट का यहाँ पे कंपेरिजन बना कर दो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप HTML में कर सकते हैं। टेस्ट का रिजल्ट जो होता है, जो हम लोगों ने पिछले बैच में लिया था, वो वाले खैर टेस्ट तो मैंने खुद लिए थे, वो इंस्टेंटली जैसे आप टेस्ट करते हैं आपके पास एकदम से स्कोर आ जाता है कि आपने क्या तीर मारा है टेस्ट के अंदर। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो फटाफट से पूछ लें। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला ही सेशन चला लेते हैं, ताकि आपकी कोई चीज़ कल के टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यानी कि कोई चीज़ समझ नहीं आई पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रिलेटेड कीवर्ड्स, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुल्तान, तो आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पर सबसे नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसको हम SEO की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको हम SEO की लैंग्वेज में कहते हैं LSI। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी जब हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था, तो मैंने सोचा इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि रिलेटेड कीवर्ड्स को अगर हम लोग SEO की लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, LSI कहते हैं। ठीक है, कमर शहजाद, अगर आपने प्रोडक्ट अगर आपने गिग के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन SEO फ्रेंडली लिखेंगे, तो डेफिनेटली वो SEO फ्रेंडली होना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर SEO फ्रेंडली होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जुहेब इकबाल, जब आपके पास अमेजोन का अकाउंट आ जाता है तो वहां पे ASIN कोड क्रिएट करने की ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, आप ASNI क्रिएट करते जाते हो और उस प्रोडक्ट के साथ असाइन करते जाते हो। अगर यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मिलता है मुझे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग इसे किस तरह से कर सकते हैं। सर ASNI जो है वो हम कोई भी अपनी ASNI अपनी मर्जी का नहीं देते हैं, हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और फिर हमें जो अमेजोन है उसके बदले में ASNI कोड जनरेट करके दे देते हैं। हमने क्या करना होता है, वो कोड उठा के अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के साथ असाइन करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है,
अगर यहाँ पे कोई मुझे मिलता है क्रिएशन वाली ऑप्शन तो आपको दिखा भी देता हूँ। एक तो स्क्रीनशॉट इतने छोटे छोटे से है ना। LSI का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है लिट। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये वर्ड मुझे बोलना नहीं आता है प्रॉपरली, तो मैंने आपको उसका दिखा देता हूँ। इसका मतलब होता है मैं आपको अभी ऐसा नहीं कभी बता देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये इसको जो भी पढ़ते हैं हम लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ए एस एन आप असाइन करते हैं, जैसे कि इधर नजर आ रहा है कहीं पे, इस तरह से नजर नहीं आ रहा है। चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, देता हूँ, जरा एग्जांपल के थ्रू समझाने कुछ करता हूँ कि ए एस एन कैसे होता है। सपोज करें कि आपने अमेजोन को 100 बैग्स जो है वो सेंड किए हैं, ठीक है, आपने अमेजोन के ऊपर लगा दिया है कि आप 100 बैग्स जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे स्टोर के ऊपर 100 जो है बैग्स असाइन हुए हैं। आप क्या करेंगे, आप इन बैग्स की हर बैग को, फॉर एग्जांपल बैग नंबर 1 है इसका ASNI जनरेट करेंगे, ठीक है, बैग नंबर 2 है इसका ASNI जनरेट करेंगे, ठीक है, बैग नंबर 3 है उसका ASNI जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आपने सिर्फ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है, उसके उसके मुकाबले में आपको एक कोड जनरेट कर देते हैं अमेजोन खुद। आप इसे खुद जनरेट, अपनी मर्जी का कोई कोड नहीं लिख सकते। अपनी मर्जी का कोड क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कोड आप लिख रहे हैं वो ऑलरेडी कहाँ पर, ऑलरेडी किसी ने अपने प्रोडक्ट को साइन किया हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, क्लिक कर रहे होते हैं, अमेजन जो है वो आपके कोड्स को जनरेट करता रहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमारे पास 3 बैग्स हैं और उसके हमारे पास अलग अलग कोड आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो से बैग का कोड है उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसके प्रोडक्ट के साथ साथ उसका ASNI कोड भी क्या करता जाऊंगा, असाइन करता जाऊंगा। अब यहाँ पर जो उसने क्या लिखा है ना कि मैं फिक्स करूंगा, फिक्स से मुराद ये है कि मैंने कहीं गलती से इस प्रोडक्ट का ASNI इस प्रोडक्ट में तो नहीं डाल दिया, इस प्रोडक्ट का ASNI गलती से मैंने कहीं इस प्रोडक्ट में तो नहीं डाल दिया। तो वो फिक्स की बात ये कह रहा है कि अगर आप मुझे अपने अमेजोन की डिटेल्स देंगे, तो अगर आपके कोई ASNI एक प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट के अंदर डला हुआ है तो मैं तमाम प्रोडक्ट उसको ठीक करता जाऊंगा, ठीक है सर। इसलिए अमेजोन या AliExpress पर अकाउंट, इसके लिए अमेजोन और उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन अगेन से आप ये अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। उसके लिए मिनिमम आपके पास 5,000 से 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप ये गिग लगा रहे हैं तो ये अकाउंट आपके पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ होगा, आपका जो बायर है वो आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल देगा। बिल्कुल एक सीरियल कोड है, आसान वर्ड में अगर हम लिख बताएं तो। या अगर आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं किसी सुपरमार्केट के अंदर, तो वहां पे फॉर एग्जांपल 100 बिस्किट्स के पैकेट रखे होते हैं, तो हर बिस्किट के पैकेट के ऊपर एक कोड असाइन होता है, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके ट्रैक करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है जनाब। अच्छा जी, हमारे पास अगर बिबली की ऑप्शंस आ गई हैं तो मैं ज़रा स्क्रीन को शट डाउन कर लूं ताकि हमारे पासवर्ड जो है वो नज़र ना आए। और हम लोग वापस आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमने पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बिबली के ऊपर एक वो बनाकर दिखा दें, एक बैकलिंक बनाकर दिखा दें, ठीक है। मैं गया हूँ wibbly.com के ऊपर और यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी लॉगिन डिटेल लिखूंगा, और अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और हमारे पास ये टुमारो इज द टेस्ट डे ऑन थर्सडे। अच्छा जी, कल क्लास, टुमारो इज द टेस्ट डे ऑन थर्सडे, इट विल बी। अच्छा जी, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि उन्होंने बताया कि कल आप लोगों की क्लास नहीं है, कल आप लोगों का सिर्फ टेस्ट है। ओके ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, कल आप लोगों का सिर्फ टेस्ट है, आप लोगों की कोई क्लास नहीं है।
ठीक है जी, हम लोग इन्होंने वेबली के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, हम इसके ऊपर लॉग इन हो गए हैं। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे एक अदर बैक लिंक बनाना सिखाते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने वेबसाइट क्रिएट की है। इन्होंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है महरी क्या है, मीट तहरीन डॉट वेबली के नाम से। ये इनकी वेबसाइट है जो कि इन्होंने वेबली के ऊपर क्रिएट की हुई है, जिसको मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से बैकलिंक क्रिएट करना है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, इन्होंने इसके ऊपर अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। जो पहले की थीम है वही वाली जो थीम है इधर है। ठीक है, तो इसको हम जरा बंद करते हैं, इसको हम बंद करते हैं, उसको एडिटिंग करके दिखा देते हैं किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वेबसाइट की ऑप्शन नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही है एडिट वेबसाइट की। आप एडिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा, अब हमारे पास जिस तरह से वर्डप्रेस के ऊपर थीम कस्टमाइजेशन आ जाती है। हाँ जी, आपकी जो थर्सडे को आपकी क्लास होगी, आपकी क्लास ईद के बाद भी है। ठीक है, आपकी कल सिर्फ टेस्ट होगा, थर्सडे को आपकी क्लास होगी और फिर आपकी क्लास ईद के बाद है। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह से वर्डप्रेस के ऊपर हम कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकें। सेम इसी तरह हमारे पास विबली के ऊपर भी डिटेल आ रही है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लाइंट ने क्या कहा है, मुझे क्लाइंट का बैकलिंक क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी थीम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थीम बहुत ज़्यादा डिटेल थीम है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल थीम चाहिए। तो मैं एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जाऊँ, थीम्स में जाऊँ और एक सिंपल थीम को सिलेक्ट कर लूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट करता जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है मैं थीम्स में जाकर एक बेसिक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिक थीम से मुराद ये है कि मैं एक ब्लॉक्स, जो एक ऐसी थीम जो कि ब्लॉक की तरह की लगती है, सिंपल सिंपल सी, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि ये एक बेसिक थीम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने चूज कर लिया, यहाँ पे लोड होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्लाइंट का बैकलिंक क्रिएट करना है, ज़रा लोड हो जाए, लोडिंग के ऊपर है। अच्छा, और सिर्फ इसी तरह नहीं, वेबली पे नहीं, तकरीबन हर तरह की वेबसाइट के ऊपर सेम इसी तरह से ही थीम्स वगैरह जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है, थीम चेंज हो जा भाई, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। टेस्ट के बाद ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। आई डोंट नो कि लोड क्यों नहीं हो रही है, ये इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोड हो रही है, इतनी लोड हो रही है। अगर आपके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हैं तो आप उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी, ताकि मेरी जो साइट है वो ज़रा बेसिक है। आई डोंट नो कि यहाँ पे थीम क्यों नहीं चेंज हो रही है, तो मैं ये कर लेता हूँ, इनको डिलीट कर लेता हूँ, इन चीज़ों को फटाफट से इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, इस सेक्शन को भी, इस सेक्शन को डिलीट करते। ठीक है, सारे सेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसको एक जनरल थीम बना रहा हूँ, ताकि मैं किसी भी तरह का जो आर्टिकल है, किसी भी क्लाइंट के जो आर्टिकल है उसको इजीली यहाँ पे पोस्ट कर सकूँ। ठीक है, अब ये फोटोग्राफी से रिलेटेड, अब ये क्या हो गया, सारा का सारा जो चेंज हो गया। मैंने बैकलिंक क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज कर लें कि ये एक आर्टिकल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा, ऐसे करके क्लाइंट की वेबसाइट से रिलेटेड, ये बात समझ आ रही है। अब मैंने इसके अंदर बैकलिंक क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे क्लाइंट का कीवर्ड है, मैं इसको कीवर्ड कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको क्या करूंगा, हाइपर लिंक करूंगा। हाइपर लिंक कौन सी ऑप्शन है, ये लिंक की ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या ऐड करना है, वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारी हमारे क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसका लिंक है www.google.com। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया। अब लोग उसके अलावा क्या है, यहाँ पे आर्टिकल का कोई टाइटल लिख सकता हूँ, जो भी मुझे लिखना है। टाइटल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मजीद इसको मजीद अब मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो अब ये पब्लिश हो रही है, तो अब मैं अपनी वेबसाइट को देखूंगा, तो यहाँ पर
अपनी वेबसाइट को जो है, ये मेरी वेबसाइट है ठीक है, मैं इसको जाके विजिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा बैकलिंक क्रिएट हुआ होगा। कैसे क्रिएट किया होगा ये आपको सामने नजर आएगा ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, ये क्लिक केबल लिंक है, इसको बिल्कुल क्लिक करेगा तो क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो आपको समझ आ गई यहाँ पे किस तरह से बैकलिंक बनाना है, किसने पूछा, तलहा ने पूछा था ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, जरा ये सामने ऊपर मेन्यू आ रहा है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं ठीक है। जनरल सी वेबसाइट बनाएं ताकि आपको हर क्लाइंट के लिए एक नया वेबली बनाने की जरूरत ना बने, बल्कि आप क्या कर सकें, एक ही वेबली के ऊपर नए से नए कर सकें। अब आपने एक दूसरे क्लाइंट के लिए बनाना है बैकलिंक, तो आप क्या करेंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे, जैसे ये पेजेस हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इन पेजेस को तो डिलीट कर देना है जो वेडिंग वगैरह के बने हुए हैं ठीक है, इनको मैंने डिलीट कर दिया। मैं क्या करूँगा, अब मेरा नया जो क्लाइंट आया है उसका जो पेज है वो क्या है, उसका जो कीवर्ड है फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है। ये मैंने पेज क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपने दूसरे क्लाइंट का जो डाटा है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिखूंगा, लिंक जैसे मैंने वहां पे ऐड किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे ऐड करता चला जाऊंगा ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है ये, जैसे मैंने पिछले पेज पे क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे उस अपने दूसरे क्लाइंट का बैकलिंक क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिख कर ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने गिग के अंदर क्या ऑफर किया। अगर आपने गिग के अंदर कहा है कि आप वेब 2 पॉइंट के बैकलिंक ऑफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वेब 2 पॉइंट के अंदर हम थोड़ा सा कॉन्टेंट ऐड करते हैं, खाली बैक सारे खाली लिंक ऐड नहीं कर देते हम लोग ठीक है। तो ये था छोटा सा लेक्चर वेबली के ऊपर जो कि हमसे पूछा गया था। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन तो फटाफट से पूछना है, वरना मेरे पास अगर आपके क्वेश्चन नहीं आए तो मैं फेसबुक की तरफ मूव कर जाऊंगा कि फेसबुक से आप मजीद किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है चलें हम लोग फेसबुक की तरफ ही चलते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस दिन हम लोगों ने इन स्ट्रीम एड्स पढ़ा था ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंट आर्टिकल ठीक है, इंस्टेंट आर्टिकल। आज हम लोग मजीद क्या कर रहे हैं, आज हम लोग मजीद पढ़ रहे हैं कि आप लोग अपने फेसबुक पेज से किस तरह, ये आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक नहीं है, ये वेब 2.0 का बैकलिंक है। आर्टिकल सबमिशन बैक के लिए हम बैकलिंक के लिए हम लोग सर्च करते हैं आर्टिकल सबमिशन साइट्स, उनकी साइट्स दूसरी होती हैं, उस पर हमें इस तरह से पूरी वेबसाइट को एडिट नहीं करना पड़ता, बस वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे आर्टिकल सबमिट करवाया, उसके अंदर लिंक ऐड किया, डेट्स इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इजाइन आर्टिकल के नाम से एक वेबसाइट है, स्पेलिंग आई होप मैंने सही लिखे होंगे। ये हमने जो मैंने भी आपको वेबली का बनाकर बताना सिखाया है, ये वेब 2.0 का बैकलिंक था ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने उस दिन ये दो चीजें पढ़ी थी, और क्या चीज पढ़ी थी, दो ही चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग मजीद देख लेते हैं कि आखिर ये जो लोगों ने इतने बड़े बड़े फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, आखिर ये इससे किस किस तरह से अर्निंग करते हैं। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताएं कि फेसबुक के ऊपर लोग किस किस तरह से अर्निंग करते हैं, हो सकता है आप लोगों के पास कोई बेहतर एडवाइस हो। तो आपके पास 1 मिनट है, फटाफट से बताएं।
एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, पेज इन्फ्लुएंसर बनते हैं, वीडियोस के थ्रू तो खैर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये चीज़ें तो बता ली हैं, फोटो शेयरिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के थ्रू करते हैं सर, मोस्टली बायर 5 लिंक वेबसाइट लिंक मांगते हैं जिन पर बैक लिंक बने हैं, जिनकी डीए वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो हम रैंडमली गूगल के लिए। हाँ जी, आप अनीता चौधरी इस तरह की लिस्ट बनाकर दे सकते हैं, बल्कि आप ही का कोई एक स्टूडेंट है, मुझे उसका नाम से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इस तरह के 2-3 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, उसके अंदर उन्होंने कोई बैक लिंक बनाकर नहीं दिया, बल्कि क्लाइंट ने उनको कहा था कि मुझे लिस्ट सर्च करके दो, तो उन्होंने लिस्ट सर्च करके दे दी थी, ठीक है। और एक लिस्ट मेरे पास भी, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो लिस्ट सेंड भी कर दूंगा। उसके बाद लाइव गेम स्ट्रीमिंग लिखा है आप लोगों ने, क्वेश्चन पूछा है अमीर अहमद शेख, आप दोबारा से क्वेश्चन पूछें, आपका क्वेश्चन जो है मुझसे मिस हो गया, प्रोडक्शन मार्केटिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। लाइव डोनेशन वाला, बिल्कुल डोनेशन वाला भी कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं, कि ये डोनेशन वाला चक्कर मैंने भी किया हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ क्या होती है, आप लोग ट्रैफिक सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल, अगर आपका फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर अच्छे खासे विजिटर हैं, विजिटर्स मुराद है, उसके ऊपर अच्छे खासे लाइक्स आए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेज के ऊपर 1 लाख, ऐसा पेज है जिसके ऊपर 1 लाख लाइक्स हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फाइवर के ऊपर गिग लगा सकते हो, जैसे कि फाइवर के ऊपर जा सकते हो, आप कह सकते हो कि मैं आपकी फेसबुक की वीडियो पोस्ट करूंगा, या आपकी फेसबुक आपकी कोई प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर दूंगा, या आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो पोस्ट कर दूंगा अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। तो अगेन से मैं आपको इसके गिग्स भी दिखा देता हूँ, फेसबुक पेज, ठीक है, बहुत बेसिक सा ये गिग है, इसके अंदर लोग क्या चार्ज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बड़े पेजेस हैं फेसबुक पेज के, हम इतने पैसों के अंदर आपके पेज, आपकी प्रोडक्ट की, या आपकी वेबसाइट की, या आपके एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी चीज़ की जो है उसको यहाँ पे प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला जो है लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे अभी क्रिएट फेसबुक पेज, अगर मुझे यहाँ पे कोई लिंक नज़र आ रहा है, पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नज़र आती थी, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग गिग नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप ट्रैफिक सेल कर सकते हो, और ट्रैफिक सेल के अंदर आप लोग कुछ मुख्तलिफ चीज़ें ऑफर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि आई हैव अ पेज जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लाइक्स हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ उस पेज के ऊपर पोस्ट करवानी है, तो मैं इतने पैसे जो है चार्ज करूंगा, ठीक है। आमतौर पे जो उसके पैसे चार्ज होते हैं वो 30 से 50 डॉलर्स तक जो है वो चार्ज होते हैं, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, क्लाइंट आपको अपने इमेज देता है, वेबसाइट का लिंक देता है, आपने सिर्फ क्या करना होता है, वो लिंक है उसको पोस्ट कर देना है अपने पेज के ऊपर, और दैट्स इट। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स के अंदर हैं, आप लोगों ने नोट किया, वहाँ पे लोग फेसबुक की ट्रैफिक सेल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए तो आप हमारे पेज के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये दोगे, तो मैं 1 हफ्ते तक डेली बेसिस के ऊपर आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो अपने पेज के ऊपर पोस्ट करता चला जाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप अपने अपनी खुद की वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने आपने अपने ब्लॉग के ऊपर एडसेंस लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके जो अपने ब्लॉग के ऊपर जो नई पोस्ट आ रही है, उसके लिंक अपने पेज के ऊपर पोस्ट किया, और उससे क्या होगा, लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसका डायरेक्टली जो फायदा होगा वो आपको ही होगा कि आपको उसकी अर्निंग होगी, ठीक है। सर ये फेसबुक पे जो भी लिंक आता है सर, ये फेक है या कैसे बिलीव करें, सब कुछ फेक है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, हम लोगों ने जब YouTube पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोग अली एक्सप्रेस से या Amazon से क्या करो, वीडियोस उठाओ और उनको मर्ज करके एक वीडियो बना लो, ठीक है। और इस तरह की वीडियो लोग Facebook के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते हैं, कभी नोट किया आप लोगों ने, एक चैनल है जिसका नाम है 5 मिनट क्राफ्ट है शायद एक चैनल का नाम, वो क्या करते हैं, इस तरह की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोज होते हैं, उसके अंदर उन्होंने इंटरेस्टिंग गैजेट्स डाले होते हैं,
ठीक है, सब्जी काटने के लिए अजीब अजीब सी चीजें डाली होते हैं, किचन गैजेट्स आप लोगों पे वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन को चूज कर रहे हो तो आप अमेजोन के जो प्रोडक्ट एफिलिएट मार्क एफिलिएट लिंक्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट वन अगर आपने परचेज करनी है तो उसका लिंक ये है, प्रोडक्ट टू परचेज करनी है तो उसका लिंक ये है, प्रोडक्ट थ्री परचेज करनी है तो उसका लिंक ये है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोर्स से रिलेटेड पेज बनाया हुआ है तो आप क्या कह सकते हो, आप अमेजोन से कोई कोर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट उठा सकते हो। आमतौर पे जो बुक्स होती हैं आप क्या कह सकते हो कि अगर आपको मजीद कोर्स की बुक्स चाहिए तो आप इसको यहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। एडमी फास्ट वगैरह तो हैं, ये तो बस रैंडमली सोल्यूशंस ही हैं मुश्किल वक्त में काम आने वाले, उसका वो आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन ही देते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप पोस्ट सेल कर सकते हो, और ये पोस्ट सेल वाला काम तो बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो रहा है। पोस्ट सेल से क्या मुराद है, अगर मुझे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी नजर आती है, जस्ट पाकिस्तानी थिंक के नाम से है एक पेज, जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स, ठीक है, एक ये पेज है, एक दो पेज और भी आपको दिखाता हूँ, मोइज के नाम से शायद, मोइज ग्राफिक्स के नाम से है शायद, मुझे देखने दें, एक ग्राफिक का काफी पॉपुलर पेज है, किसी को पता है जो काफी फनी किस्म के पेजेस इमेजेस बनाते हैं, मोइज ही है शायद। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तानी पेज है, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है जस्ट पाकिस्तानी थिंग। इसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, ये पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं, आमतौर पे फनी पिक्चर्स वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका पेज काफी बड़ा है तो इससे क्या ये क्या कर रहे हैं, अपने पेज के ऊपर पोस्ट को सेल कर रहे हैं। पोस्ट को सेल करने से क्या मुराद है कि मुख्तलिफ कंपनीज इनसे राबता करती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स हो गई, पेप्सी हो गई, कोको कोला हो गई, ठीक है, ट्रेवल एजेंट्स हो गए, या कोई भी प्रोडक्ट वाले क्या करते हैं, इनसे राबता करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट की जो वीडियो है, या आप हमारे प्रोडक्ट की जो फोटो है, या आप हमारे प्रोडक्ट की जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे पोस्ट करो, हम आपको हर पोस्ट के ऊपर इतना पैसे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसका क्या है, मोइन नाजिम है इसका नाम, मोइन, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये आमतौर पे फनी पिक्चर्स वगैरह डाल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इस पे नोट करें तो इन्होंने यहाँ पे एक ट्रेवल कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इररिलेवेंट यहाँ पे कंटेंट है, ये इररिलेवेंट कंटेंट क्या है, इन्हें इन्हें कुछ पैसे दिए गए हैं और उन्होंने उस पैसे के बदले में क्या किया है, इस वीडियो को प्रमोट किया है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा पेज है, ये वाला पेज जो कि मैं ढूंढ रहा था, आप लोगों ने इसके काफी ज्यादा इमेजेस वगैरह इंटरनेट के ऊपर देखे होंगे, फेसबुक के ऊपर, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये भी इसी तरह से जो अपने कार्टून्स बना रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये तमाम के तमाम कार्टून्स जो हैं ये ऐसी बंदा फारिग है तो फ्री में बना रहा है, ठीक है, लेकिन इधर आप इसके एक सेकेंड मैं स्क्रीन को ठीक करता हूँ, सबर करें, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके मजीद फोटोज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने काफी सारे जो इसके कार्टून्स हैं वो पेड हैं, पेड से मुराद ये है कि उसके अंदर उसने कोई ना कोई प्रोडक्ट वगैरह को प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको एक इमेज नजर आ रहा है, हमें तो देखने में ये लग रहा है ना कि इसने बस एक फनी वो बनाया है, क्या बनाया इसने, फनी फनी इमेज बनाया है, लेकिन इसको रू अफजा जो कंपनी है जो ये ड्रिंक्स बनाती है उन्होंने इसको हैवी किस्म के पैसे दिए होंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा होगा कि आप एक जो इमेज है वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाए, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसने फिर क्या किया, उस तरह का इमेज लगा के अपने पेज पे लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, रू अफजा वाले ने इसको पैसे दिए, ये नहीं कि जो इसने ये इमेज बनाया हुआ है ये इसने कंपनी की डिमांड के ऊपर बनाया हुआ है और उसको उसके अलग से पैसे मिले, ठीक है। इसी तरह अगर हम मजीद चले जाएं, गवर्नमेंट के काफी गवर्नमेंट जो है इस बंदे से काफी इमेजेस वगैरह भी डिजाइन करवा रही होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है ये वाला इमेज जो है गवर्नमेंट ने इसको पैसे दे के बनवाया हो कि आप ये वाला इमेज बनाकर अपने पेज पे लगाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपको काफी कुछ काफी मुख्तलिफ किस्म के वो नजर आएंगे इमेजेस वगैरह, तो ये समय जो इमेजेस हैं ये सारे के सारे इसने फ्री के नहीं बनाए हुए, इसमें तो काफी कुछ इसने क्या किया हुआ है,
पेड यानी कि पैसों की बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफी कुछ इस तरह की चीजें नजर आएंगी। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो आपको इस पेज के ऊपर भी काफी इररिलेवेंट पोस्ट नजर आएंगे। इररिलेवेंट पोस्ट से मुराद ये है कि वो उन चीज मुख्तलिफ चीजों को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, ठीक है। लोगों ने इसको पैसे दिए हैं और ये क्या कर रहा है, उन पैसों के बदले में उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। तो अगर आप क्या कर सकते हो, आप आपका पेज बड़ा है तो आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट वगैरह को भी सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप वॉच टाइम सेल कर सकते हो। वॉच टाइम से क्या मुराद है, वॉच टाइम से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा पेज है, ठीक है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर तुमने अपने पेज के ऊपर वॉच टाइम को इंक्रीज करवाना है इन स्ट्रीम एड्स के लिए, तो मैं तुम्हारी वीडियोस को अपने पेज के ऊपर प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह की ऑफर भी कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहें तो, ठीक है। बात समझ आ गई। उसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था एक ग्राफिक डिजाइनर का पेज, वो उसने अपने पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपको भी कोई लोगो डिजाइन बनवाना है, कोई बैनर बनवाना है, कोई ग्राफिक्स बनवानी है, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको जो है इस तरह की चीजें बनाकर दे दूंगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा पेज बनाएं, उससे मजीद मुख्तलिफ पेजेस बनाएं, तो उससे आप अपने फेसबुक आप उस फेसबुक पेज को सेल कर सकते हैं। नोट किया कभी आप लोगों ने, मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर लोग फेसबुक पेजेस को सेल कर रहे होते हैं, किस किस ने नोट किया, जरा फटाफट से बताएं। फटाफट से बताएं, कभी नोट किया आप लोगों ने। हाँ जी बताएं कि आपने फेसबुक पेजेस देखा हो, ग्रुप्स देखे हो, उसके अंदर लोग क्या कर रहे होते हैं, फेसबुक पेजेस सेल कर रहे होते हैं। हाँ जी, तलहा अरशद, आपने जो मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने जो ऑर्डर डिलीवर करना था उसका टाइम खत्म हो गया है, तो अगर आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं किया तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट से अपने ऑर्डर को डिलीवर करें, वरना आपने जो इतनी मेहनत की है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि आपने अपने ऑर्डर को लेट क्यों किया, आपने अपने ऑर्डर को लेट कर लिया, आपकी फाइवर के ऊपर वैसी तमाम की तमाम रैंकिंग जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो अपने ऑर्डर को डिलीवर करें, और आपका ये ऑर्डर मेरे ख्याल से 4 दिन पहले का आया है और आपने अभी तक इसके ऊपर काम ही नहीं किया। सिर्फ 20 बैकलिंक क्रिएट करने थे आपने, और मैक्सिमम मैंने आपको बताया था क्रिएट करने में 30 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। जी सर, मैंने नोट किया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बड़े पेजेस हैं आप उनको सेल पे लगा सकते हैं, और फेसबुक के पेजेस काफ़ी हैवी अमाउंट के अंदर सेल होते हैं, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप लोग अपने फेसबुक पेज से इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम काम उसी वक्त पूरे होंगे जब आपने क्या किया होगा, आपके फेसबुक के ऊपर अच्छे खासे लाइक्स होंगे, और लाइक्स इंक्रीज करने के लिए जब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं डालेंगे आपके फेसबुक के पेज के ऊपर लाइक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर तला आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप मुझे आई डोंट नो मैसेज क्यों कर रहे हैं, जब लेक्चर हो रहा है तो मैं बराए मेहरबानी लेक्चर के ऊपर फोकस किया करें। आपको अगर देख रहे हैं तो अपने ऑर्डर आपके और फाइवर के ऊपर पेज है ऑर्डर डिलीवर योर ऑर्डर नाउ, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और अपने ऑर्डर को डिलीवर करें, ठीक है। आपका ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, आपको क्लाइंट किसी वक्त इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है अगर उसका दिल चाहेगा, ठीक है जी। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनके ज़रिए आप लोग फेसबुक के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछें, वरना मैं कुछ नया सिखाने वाला हूँ। अच्छा, इस तरह की जो पेजेस है ना, वो इस एक पेज है डीलर्स जंक्शन के नाम से, एक ग्रुप है, अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप है, इसके अंदर इस तरह की डीलिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, ये आपको सामने नजर आ रहा है। जैसे कि इस बंदे ने कहा हुआ है कि मुझे 25 से 30 फेसबुक आईडीज चाहिए, कोई मुझे अगर बनाकर देगा तो मैं उसको इतने पैसे दूंगा,
ठीक है, जैसे कि मजीद इसने कहा हुआ है कि मैं जो हूँ इंडियन और पाकिस्तानी आईडी सेल कर रहा हूँ, अगर किसी को परचेज करना है तो वो बता दे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगती रहती हैं, फेसबुक पेजेस यहाँ पे लगते रहते हैं, किसी को फेसबुक पेजेस चाहिए। जैसे कि इसने बताया हुआ है कि मेरे पास फेसबुक पेज है जिसके ऊपर 2,75,000 मेंबर्स हैं, अगर किसी को परचेज करना है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। इसी तरह इसने बताया हुआ है कि मेरे पास फ्रांस का एक पेज है जिसके ऊपर 1,30,000 मेंबर्स है, तो अगर आपने ये वाला से परचेज करना है तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बने बनाए पेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि ये 20,000 का पेज सेल कर रहा है। ठीक है, ये $800 का पेज सेल कर रहा है क्योंकि इसका जो पेज है वो यूएसए, उसके अंदर यूएसए के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये 14,000 का सेल कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने अब फ्यूचर के अंदर अपने पेजेस वगैरह को सेल करना है तो ये उसके लिए एक अच्छा ग्रुप है। क्या मैं भी इस ग्रुप के अंदर हूँ? बिल्कुल, मैं भी इस ग्रुप के अंदर हूँ। यू कैन सेट रिमाइंडर फॉर सर, ग्रुप्स बनाने का आपको, ग्रुप्स बनाने का ये फायदा है कि लोग यहाँ पे ग्रुप्स के जरिए भी अपने पेजेस वगैरह को प्रमोट करते हैं। ग्रुप्स का ये फायदा है कि आप इसके अंदर किसी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनवाइट डाल दूंगा ना, एक बंदा रेडी है या नहीं है वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। जबकि पेज के अंदर क्या होता है, पेज के अंदर आप सिर्फ इनविटेशन सेंड कर सकते हैं, फिर उस बंदे की मर्जी है वो उस पेज को लाइक करे या ना करे। ग्रुप के अंदर सीन क्या होता है कि आप जितने मर्जी लोगों को ऐड करते रहें, चाहे वो एग्री हो या ना हो, वो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप के अंदर एडिट होते जाते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग ग्रुप्स बना लेते हैं अपने पेज का, उसके अंदर अपने बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड करते रहते हैं। बल्कि फाइवर के ऊपर भी ये वाला है, फेसबुक ग्रुप के नाम से है ये गिग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किसने लिखा हुआ है, आई विल बी योर फेसबुक स्पेशलिस्ट, आई विल बी फेसबुक। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये मिल गया है, जो एक गिग था ना वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मुझे दो तीन गिग मिल गए हैं जो कि मैं सर्च कर रहा था, तो मैं आपको ये बता रहा। एसबी कोई ऐसा फॉरम है जहाँ पे कंपटीशन कम है? अमीर अहमद, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, ज़रा प्लीज़ दोबारा से बता दें। अभी देखें यहाँ पे इसने क्या किया, इसने कहा है कि मेरे पास एक ग्रुप है जिसके ऊपर 1,75,000 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप मुझे $5 दोगे तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपके पेज की वीडियो वगैरह को शेयर कर दूंगा। अभी देखें कितना इजी गिग है इसके, ये गिग बनाने में, यानी कि अगर और ग्रुप के अंदर मेंबर्स ऐड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लोग इसको सिर्फ वीडियो देते हैं, इसको पोस्ट करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाले गिग आप करिए, आप इस तरह से ग्रुप्स बना के उसके अंदर अनलिमिटेड लोगों को ऐड कर लें। ठीक है, सारे के सारे अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लें, उनको कहें वो आगे लोगों को ऐड कर लें, इसके अंदर लोग आप एडिट करते चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा है, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, आई विल डू प्रमोशन ऑफ फेसबुक पेज इन द टारगेट। इसने कहा है कि अगर आप मैं मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आपके पेज के बारे में पोस्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपके प्रोडक्ट्स के लिंक डालूंगा। ठीक है, जैसे कि इसने कहा हुआ है कि ये 5 ग्रुप के अंदर जो है ये ₹3,000 में पोस्ट करेगा, 5 ग्रुप के अंदर, 10 ग्रुप के अंदर ये 6,000 में करेगा। ठीक है, 8 ग्रुप के अंदर ये 15,000 में करेगा सर पेज। ठीक है, तो आप ग्रुप्स बना सकते हैं, और ग्रुप्स यहाँ इसके अंदर ये कह रहा है इसका अपना ग्रुप है, और इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स को सर्च करके उसके अंदर प्रमोट कर रहा है, और ये पाकिस्तानी बंदा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ये पाकिस्तानी बंदा है। आप ये वाला ग्रुप लगा, ये वाला गिग लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी, ये वाला गिग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक के ऊपर बड़े ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि इसने कहा है कि इसके जितने भी ग्रुप्स हैं उसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं। ठीक है, कोई बंदा इसको ऑर्डर करता है तो क्या करता है, ये उन ग्रुप्स के अंदर अपने क्लाइंट की जो पोस्ट है उसको शेयर कर देता है। ठीक है, तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, इसके अंदर आपको ग्रुप क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स को फाइंड करना है जहाँ पे 1,000, जिस जहाँ पे कम से कम 1 लाख मेंबर हो, और वो ग्रुप क्या हो, पब्लिक हो, ताकि आपका क्लाइंट आप अपनी पोस्ट को देख सके। ठीक है, ये पाकिस्तानी बंदा है और यहाँ पे ये वाला गिग सेल कर रहा है, और मजे की बात ये है, आप ये देखें ये ई रोजगार का स्टूडेंट है,
इसने 2008 के अंदर ई रोजगार जो कोर्स आप ले रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ये उसी का ही है। ठीक है, ये कौन से सेंटर का? ये गुजरात सेंटर का है। ठीक है, ये इसमें गिग लगाया हुआ है, तो आप भी वाला गिग लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको मुश्किल काम नहीं है। फेसबुक ऑफिशियली भी ग्रुप पर अर्निंग देता है? नहीं, फेसबुक कोई अर्निंग नहीं देता है ग्रुप्स के ऊपर। फेसबुक पेज ऑडिट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है, वो कहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेज ओपन कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है, ठीक है, वो आपको कहती है हमारा फेसबुक पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, वो कहती है कि हमारे पेज के ऊपर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नई पोस्ट जनरेट करते हैं, या हम कोई नया कंटेंट इसके ऊपर डालते हैं, कोई वीडियो ऐड करते हैं, कोई फोटो ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं आती। एक्टिविटी से मुराद ये है कि उसके ऊपर लाइक शेयर कमेंट्स नहीं आते हैं। तो वो आपसे ये कह सकते हैं कि आप हमारे पेज को ऑडिट करके दें। आप उसके ऑडिट में क्या करेंगे? आप उसके ऑडिट में उसको बताएंगे कि आप जिस टाइप का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, शायद वो वाला कंटेंट आपके आपके जो फॉलोअर्स हैं आपके पेज के ऊपर जो इन्होंने लाइक किया है, उनको समझ नहीं आ रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पेज के ऊपर पाकिस्तानी ट्रैफिक है, लेकिन आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो सारा इंग्लिश में पोस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, अपने पेज के ऊपर अपने जो जिस मुल्क की ट्रैफिक है उसके हिसाब से पोस्ट करें। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप सुबह को 8 बजे पोस्ट करते हो, इसलिए आपके पेज के ऊपर इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो आप क्या करें, रात के 8 बजे पोस्ट करें, क्योंकि उस वक्त फेसबुक के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं। इसी तरह आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपका जो अबाउट अस सेक्शन है, उसके अंदर आपने अपने बिजनेस के बारे में डिटेल नहीं दी हुई, एड्रेस नहीं बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट का एड्रेस नहीं डाला, तो आप इस तरह की चीज़ें जो है फेसबुक पेज ऑडिट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नहीं, फेसबुक आप फेसबुक ग्रुप की जो है कैंपेन रन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने पेज की जो है उसकी कैंपेन रन कर सकते हैं, ग्रुप की कैंपेन रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है कमर्शियल, आपको ये बताता चलूं कि आपके एक स्टूडेंट हैं, डीजी खान के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फ्रीलांसर के ऊपर एक ऑर्डर पूरा किया है। फीमेल स्टूडेंट है, क्या नाम है इनका? नौरीन कमल के नाम से एक स्टूडेंट है, ये आपके बैच का पहला freelancer.com। आप सब अभी तक जितने भी अर्निंग आ रही है वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो फाइवर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं ना, लेकिन एक फीमेल है, उन्होंने ये वाला जो आपके सामने स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, उन्होंने किसके ऊपर कंप्लीट किया अपना ऑर्डर? उन्होंने freelancer.com के ऊपर अपना ऑर्डर कंप्लीट किया है, जो कि था किसी से रिलेटेड था, आई थिंक ये राइटिंग से रिलेटेड था, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड था। ठीक है, और ये $20 का था, नहीं सॉरी $15, सॉरी। ठीक है, तो आप लोग भी फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग करें, वो दूसरी वेबसाइट जो है। ठीक है, आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो फिर ही उसका कुछ ना कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, और हम लोग कहाँ पे थे? और इससे रिलेटेड किसी और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चले, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप की लिस्ट, आप लोगों में से कितने लोगों ने बड़े बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन किया है या बड़े बड़े ग्रुप्स की लिस्ट बनाई है, जरा फटाफट से बताएं अपने फेसबुक पेजेस को प्रमोट करने के लिए। बनाई भी है, किसी ने नहीं बनाई, बस लेक्चर लेते रहे तो हम भाग जाते हैं। मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि आप लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, काम से मुराद ये है कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं कम से कम उसको प्रैक्टिस तो करें। चलिए, हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही लेक्चर दे देते हैं, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का भी एक लेक्चर मौजूद है। लिस्ट नहीं बनाई, आई एम जॉइंट, वेयर इज द टाइम मैनेजमेंट लेक्चर? ग्रुप ज्वाइन भी किए हैं? ठीक है, ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, अच्छी बात है।
ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्रुप्स की लिस्ट बनाएं, इस तरह की चीज़ें सर कर रहे हैं, प्रैक्टिस यकीन कीजिए। अच्छा भी हमने आपकी बात पे यकीन कर लिया है। एक तो ये जो ओपन नहीं होता ना, बहुत गुस्सा आता है। ओके ओके सर, डोनेशन, हाँ डोनेशन वाला सीन बता देता हूँ, ठीक है। डोनेशन में क्या होता है, आप में से किसी को पता है क्या कहते हैं क्राउड फंडिंग क्या चीज होती है? क्राउड फंडिंग का नाम किसी ने सुना है कभी, कि क्राउड फंडिंग क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है? अच्छा, जब मैं यहाँ पे डोनेशन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये कोई अर्निंग का तरीका नहीं है। आप किसी किसी के लिए जो है वो डोनेशन जो है वो इंटरनेट के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। कभी किसने सुना हो क्राउड फंडिंग का नाम, या किसी ने क्राउड फंडिंग मतलब सुना हो? लिंक्डइन के ऊपर हेलो बहुत सारे आते हैं। अच्छा, क्राउड फंडिंग, फंडिंग, अच्छा क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग ये होता है, काफी सारी क्राउड फंडिंग की वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग मिलके आपको पैसे देते हैं, ठीक है। पैसे देने से क्या मुराद है, कि आप उनके साथ अपना मसला शेयर करते हैं, और फिर अगर उन्हें लगता है कि आप एक जेन्युइन बंदे हैं तो वो क्या करते हैं, आपको उसके पैसे देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बंदा कह सकता है कि मैंने वर्ल्ड टूर के ऊपर जाना है, जिसके लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो आप मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए मुझे डोनेशन दें, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत है। आप ये कह सकते हैं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के अंदर मैं इतनी फैमिलीज को खाना खिलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरी मदद करें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप बेसिकली क्राउड फंडिंग की वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि गो फंडिंग के नाम से है, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैंने असल में एक दफ़ा क्राउड फंडिंग की भी है, और जो मैंने क्राउड फंडिंग की थी वो फेसबुक के जरिए की थी, ठीक है। यानी कि उसको प्रमोट मैंने फेसबुक के जरिए किया था, उसको मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, मिला था। तो अगर मुझे वो भी नज़र आ गया तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स, उसके अंदर क्या होता है, पूरी दुनिया के लोग आपको जो है पैसे दे रहे होते हैं। यहाँ पे ओपन होती है तो आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये गो फंडमी के नाम से, ठीक है, किक स्टार्टर के नाम से है, और एक वेबसाइट तो बल्कि मुसलमानों के लिए भी बनी हुई है, मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये GoFundMe.com, ठीक है। उसके अलावा किक स्टार्टर के नाम से भी है, KickStarter.com। GoFundMe.com क्या चीज़ है, GoFundMe.com के अंदर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या कहते हैं डोनेशन मांग सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, किसी को स्टडी के लिए बाहर जाना है, ठीक है, किसी को ट्रैवल करना है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। बल्कि कोई एग्जाम्पल नज़र आते हैं तो वो भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसने कोई लीगल केस है, ठीक है, इसने अपने लॉयर के पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं इसने, $20,000 देने थे, लेकिन इसको कितने पैसे मिल गए हैं, 20,000 की जगह 3 लाख मिल गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इसी तरह इन्होंने किसी को देखने जाना है, अपने बच्चे को देखने जाना है, क्या करना है, दो तीन मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ फटाफट से, जरा ओपन हो जाए, ठीक है। ये फंडिंग मी की वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग डोनेशंस मांग सकते हैं किसी भी किस्म की। अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे डोनेशंस मांग सकते हैं, आपको पूरी दुनिया के लोग वो डोनेशन दे। जैसे कि यहाँ पे आपको ये इस्लामाबाद का नज़र आ रहा है, ठीक है। इस्लामाबाद में कोई बंदा जो है वो कोरोना के लिए, मरीजों के लिए पैसे मांग रहा है, और उसको यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं, 3-4 लाख से भी ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये तीन एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। नंबर वन एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये यूके का शायद कोई पॉलिटिशियन है मेरे ख्याल से, हाँ जी। इसने यहाँ पे कितने पैसे मांगे थे, इसने यहाँ पे £20,000 मांगे थे, जबकि इसको कितने पैसे मिल गए हैं, इसको 3 लाख से भी ज्यादा पैसे मिल गए हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि फला फला मैंने इस फंड्स को यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हर तकरीबन 10 मिनट के अंदर इसके पास 10 से 15 पाउंड लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी एग्जाम्पल है, इसने कहा रेस्ट ऑफ टर्म में यू विल बी सो, इसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये मेरे ख्याल से अपने बच्चे के लिए कोई जो है वो फंड्स मांग रहा है, ठीक है। इसने 25 इसने $2,50,000 मांगे थे, लेकिन इसको 3 लाख से भी ज्यादा पैसे मिल गए, ठीक है।
तो इसने अपने बच्चे के लिए मांगे थे। आई डोंट लगता है कोई मेडिकल इसकी कोई इश्यू है। हाँ जी, इसका जो बच्चा है आईसीयू के अंदर है और इसको उससे रिलेटेड जो है डॉक्टर्स के बिल पे करना है, जो कि उसने $2 लाख पे करने थे, लेकिन लोगों ने इसको कितने पैसे दे दिए हैं, 3,60,000 से भी ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पाकिस्तानी कोई बंदा है जिसका नाम क्या, इसका कोई नाम लिखा हुआ है, ये कोई पाकिस्तानी बंदा है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके लिए खाना खरीद के उनको देना है, मुझे 5,000 यूरो दे दो। अभी तक उसके पास 2,200 यूरो आ गए हैं। ठीक है, और ये इसने बताया हुआ भी है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ अपडेट भी वो लगा रहा है कि मैंने ये वाली चीज़ें जो है परचेज कर करके दे दी हैं। ठीक है, इसका नाम जो है जुनेद यूनस है, कोई इस्लामाबाद से बंदा है, और लोगों ने इसको यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं। और उसने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि आज मैंने 80 फैमिलीज को खाना डिलीवर किया है, आज मैंने 50 फैमिलीज को खाना डिलीवर किया है। ठीक है, उसने यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो और मुख्तलिफ किस्म की अगर आपको कोई फंडिंग करवानी है तो आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, किक स्टार्टर जो है ये भी क्राउड फंडिंग है, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग से क्या मुराद है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग से मुराद ये है कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो। ठीक है, सपोज कर लो कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई शूज़ जो है वो लॉन्च करने वाले हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैंने फलां शूज़ जो है वो लॉन्च करने हैं, तो उसके लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इसके अंदर लोग आपको डोनेशन नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, लोग जो आपने प्रोडक्ट बनानी होती है ना, लोग आपकी वो प्रोडक्ट एडवांस में परचेज कर लेते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि किक स्टार्टर के ऊपर क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ठीक है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किक स्टार्टर के ऊपर आते हो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो कि मैं ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो लोग क्या करते हैं, लोग आपको डोनेशन नहीं देते हैं, बल्कि लोग आपकी प्रोडक्ट को एडवांस में परचेज करना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान की, जो कि है मार खोर के नाम से, शायद आपने सुनी भी हो। सर, आपने किस चीज़ के, मैंने जो थे वो सीरिया के लिए जो थे वो पैसे इकट्ठे किए थे। ठीक है, अभी 1-2 साल पहले सीरिया की जो थी वहाँ पे जंग शुरू हुई थी, तो मेरे पास पेज है, एक मेरे पेज का नाम है मुस्लिम्स आर नो टेररिस्ट, तो उसके ऊपर मैंने अपने लिंक को पोस्ट किया था, तो विद इन 24 आवर्स मेरे पास $6,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डोनेशन दे दी थी। फिर वो मैंने जो पैसे थे वो सीरिया के अंदर एक एनजीओ थी और उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे, बिजनेस प्लान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास आपके सामने एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल आप लोगों की तरह की है। आप लोगों की तरह के मतलब ये है कि जिस तरह आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के डिग्रियां हासिल की हैं। ठीक है, कोई किसी ने, कोई इंजीनियर है यहाँ पे, किसी ने MSc की हुई है, किसी ने MA किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट थे जो कि उन्होंने कहाँ से ग्रेजुएट किया, उन लोग, ये वो दो 6 स्टूडेंट हैं, सॉरी 6 नहीं 5 स्टूडेंट हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लम्स से ग्रेजुएट किया। ठीक है, लम्स से जब उन्होंने ग्रेजुएट किया तो उनके पास उनको जो थी वो नहीं मिली, क्या नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। ठीक है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद भी इनको जॉब नहीं मिली, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम लोग या एक एक तो ये काम करते हैं कि गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को गालियां देते हैं कि हमारे पास इस मुल्क के अंदर कोई जॉब नहीं है, हमने इतना पैसा खर्च किया, हमें यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा ने सोचा कि हमारे पास एक ये वाली भी ऑप्शन मौजूद है कि क्या हुआ अगर कोई हमें जॉब नहीं देता है, हम अपनी प्रोडक्ट क्यों, हम अपनी प्रोडक्ट बनाकर क्यों ना उसको सेल करें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस्मत के ऊपर रोने धोने से बेहतर प्रेफर किया कि हम लोग बहुत छोटे स्केल के ऊपर अपने कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन सब, इन 5 दोस्तों ने क्या किया, फिर इन 5 दोस्तों के पास एक आइडिया आया कि हमारे जो जो शूज होते हैं, ये वाले शूज, ठीक है, ये वाले जो शूज हैं कहाँ पे, ये वाले जो शूज हैं, ठीक है, हम क्यों ना ये वाले शूज पूरी दुनिया के अंदर सेल करें। ठीक है, और आपको ये बता दूं, ये वाले शूज जो हैं ये दोबारा से अब इन हुए हैं, वरना ये असल में जो डिज़ाइन है ना, ये 18th सेंचुरी का डिज़ाइन है। अगर आपके कोई दादा परदादा होते हो पुराने ज़माने में, तो वो इस तरह के शूज़ पहनते थे। ठीक है, ये वाले शूज़ जो थे 90 यानी कि तकरीबन 1950 से लेके और 2010 तक के दरमियान ये शूज वाला डिज़ाइन जो था मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया था,
जो उससे पहले के लोग थे वो इस तरह के शूज पहनते थे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे जो पुराने सकाफती शूज हैं हम लोग उनको दोबारा से बनाकर दुनिया के अंदर सेल करें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ये शूज बनाते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या पढ़ना, इसी तरह उन्होंने सोचा हम क्यों ना पाकिस्तान की जो खेड़ी है इसको पूरी दुनिया के अंदर सेल करें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जब हिसाब लगाया ना तो उनको जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ना वो कितनी चाहिए थी, उनको जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो एक तकरीबन $10,000 चाहिए थे, ठीक है। $10,000 से मुराद ये है कितने बनते हैं, $10,000 से मुराद ये है कि इनको तकरीबन 10 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या करना था, ये शूज बनाने थे, उसकी मार्केटिंग करनी थी, लोगों को हायर करना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वेबसाइट का सहारा लिया जिसका नाम है किक स्टार्टर, ठीक है। किक स्टार्टर के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के बारे में बताया, ठीक है, ये हिसाब के सामने जो कैंपेन नजर आ रही है, ठीक है। उन्होंने बताया वो किस टाइप का शूज होगा, क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जब अपना प्राइस लगाना तो इनको सिर्फ $10,000 चाहिए थे, लेकिन चूंकि एक बिल्कुल नए टाइप का शूज लेके आ रहे थे दुनिया के लिए, ठीक है, खेड़ी वाला डिजाइन हमारे लिए नया पुराना होगा लेकिन जो दूसरे मुल्कों के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए नया था। तो उन्होंने क्या किया, इनको सिर्फ $10,000 चाहिए थे, इनको कितने पैसे मिल गए, इनको 30 दिन के अंदर $1,07,286 मिल गए। ठीक है, तो इन्हें इतने थोड़े से टाइम के अंदर इतने ज्यादा जो थे पैसे मिल गए। और इन्होंने फिर क्या किया, और चाहे इनको ये पैसे मिले नहीं, लोगों ने क्या किया, इनकी प्रोडक्ट को एडवांस में परचेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब हमारी प्रोडक्ट बनेगी तो हम आपको ये वाला जैसे कि खेड़ी वाला शूज है वो हम आपको इसका आपको यहाँ पे प्राइस भी दिखा देता हूँ अगर यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई हो, ठीक है। जैसे कि ये शूज है, अब ये एक खेड़ी है $130 की सेल कर रहे हैं, 130 से मुराद ये है 130 × 165, ठीक है। ये 20,000 की जो खेड़ी, यानी कि जो खेड़ी जो आपको कितने की मिल जाती है, बहुत एक्सपेंसिव भी लेंगे तो मैक्सिमम 2,000 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। इसको ये कितने में बेच रहे हैं, इन्होंने इसको 20,000 रुपये में बेचा और लोगों ने इसको खुशी खुशी परचेज किया क्योंकि उनके लिए एक बिल्कुल नया डिज़ाइन था, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ये वाला शूज़ इन्होंने $169 का सेल किया, इस वाले शूज़ को इन्होंने $199 का सेल किया, इसको एक खेड़ी के साथ इसको इन्होंने $300 का सेल किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट को एडवांस में सेल किया। ये किक स्टार्टर, अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट आपके जहन के अंदर है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर जाके एडवांस में जाके क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और इस वक्त जो है ये दुनिया की बहुत पॉपुलर ब्रांड बन चुकी है, मारखोर जो है ये दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांड है। आउट ऑफ कंट्री कैसे डिलीवर करते हैं, TCS के जरिए करते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी करते हैं, DHL भी करते हैं। फिर सर फिर फंड रेजर ने खुद ही सेल किए, फंड रेजर ने डेफिनेटली लोगों ने यहाँ पे एडवांस से इनसे ये जूते खरीद कर लिए, परचेज कर लिए। जब इनके पास पैसे आए तो इन्होंने क्या किया, वो जिन जिन लोगों ने इनसे परचेज किए थे, और आमतौर पे इन्होंने किया यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है उन्होंने परचेज किए थे ज्यादातर, तो उन्होंने क्या किया उन लोगों को वो प्रोडक्ट्स भेज दी, ठीक है। अच्छा कुरियर फ्राइडे का लेक्चर देख रहे हैं सर, यहाँ पे ऐसे दिमाग बैठे हैं सब काम चोर हैं के, ठीक है। अगर वो यहाँ से ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो यहाँ पे कोई डोनेशन तो नहीं ले रहे हैं बल्कि अपनी प्रोडक्ट के लिए एडवांस में पैसे जमा करवा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन गायब हो गई है, मुझसे गलती से जो है ना कंप्यूटर से ये बंद हो गया, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं ज़रा दोबारा से स्क्रीन को एक्टिव करता हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें। सर इस वेब का कितना फ़ायदा होता है, इस वेब को ये फ़ायदा होता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज ये वेबसाइट भी ले रही होती है, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, कहीं पता चले आवाज़ भी गायब हो गई है। सर यहाँ पर ऐसे दिमाग बैठे हैं फ्राइडे का लेक्चर देखते हैं, ठीक है ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। मुझे लगता है ये हीटअप हो गया मेरा कंप्यूटर, आई डोंट थिंक सो, क्या हो गया है, चल ही नहीं रहा है शोखा सा।
ट्राई कर। हाँ चल गया था। ठीक है जी, इसको मैंने दोबारा से ओपन कर दिया है। तो मारखोर काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है, तो आप इसको इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, अपने कोई प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। आप लोगों के शहरों के अंदर भी कोई इंटरेस्टिंग सी प्रोडक्ट होगी जो कि दुनिया के लिए बहुत नई होगी। सर हम पाक की लोकल शूज़ भी, तो बिल्कुल आप पाकिस्तान के लोकल शूज़ भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। बल्कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक दो फीमेल्स ने किया था, ये जो पाकिस्तान के खुद से होते हैं उनको भी यहाँ पे लगाया था, उससे उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट को जनरेट किया था। कोई ऐसी साइट बताएं जहाँ पे हम लोगों को पैसा डबल करके इन्वेस्ट करना को ख्याल हो। वसीम इकबाल, मुझे नहीं पता ऐसी कोई वेबसाइट है, और अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिलती भी है तो आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना है। ठीक है, ये तो वही इस तरह के एक फिल्म के अंदर था, 15 दिन के अंदर पैसा डबल। ठीक है, आप तो वही वाला काम पूछ रहे हैं। सर एक शॉप वाले ने कहा मेरी प्रोडक्ट सेल करो ऑनलाइन, वो इधर कर सकते हैं? हाँ इधर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए करें। मेरे पास जो लैपटॉप है ना, वो मैं सिर्फ मूवीज देखने के लिए लिया हुआ था। मैंने अपने लैपटॉप को कोई हार्डली कब यूज़ किया होगा, साल 2 साल हो गए मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, मुझे डेस्कटॉप जो है वो ज़्यादा आसान लगता है, टेबल के ऊपर पाँव के ऊपर पाँव रखकर कीबोर्ड को ऊपर आराम से टाइप किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फिर लेक्चर रह गया है। ये चले टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर को आगे जाके हम लोग कुछ लेक्चर्स थे उसके लिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मार्कोर की एग्जांपल है, यहाँ पे मजीद मैं आपको पाकिस्तान की कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ अगर मुझे कुछ मिलती है तो। पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के 83 प्रोजेक्ट्स, यानी कि 83 लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान के लिए से, पाकिस्तानी लोगों ने यहाँ पे पैसे जमा किए हैं। ठीक है, और देखें यहाँ पे दूसरा गुस्सा भी है। ठीक है, गुस्सा कह रहा हूँ, ये क्या चीज़ होती है, खेड़ी वाला जो होता है। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने ये इसके एग्जाम्पल दे रहा था, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है। ये दो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, उसके अलावा कुछ लोग, अच्छा इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान की एक फिल्म थी, मेरे ख्याल से ये वाली फिल्म है, ड्रामा फिल्म थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, उसकी फंडिंग भी इसी वेबसाइट से हुई थी। हाँ बिल्कुल यही वाली फिल्म है, इसका मैं आपको लिंक भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये किसी पाकिस्तानी बंदे ने लगाया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो खुस्सा होता है, जो भी होता है, इसके लिए इसको यहाँ पे $10,000 से भी ज़्यादा मिल गए। ठीक है, पाकिस्तानी जो खेड़ी है इसको लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लूँ तो ये देखें, बेसिक शूज़ आते हैं ना मार्केट से, आई डोंट नो इसको कौन सा शूज़ कहते हैं, नाम फ्लिप फ्लॉप, कैसे क्या क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप ऐसे कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। उसके अंदर क्या किया, उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर डिजाइनिंग करके देंगे। ठीक है, इनको इससे $25,000 जमा हुआ है। ये पाकिस्तान की फीमेल्स का किसी का आइडिया था। ठीक है, ये इन्होंने आप अपनी पिक्चर्स पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं कि ये इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये मोती वगैरह लगा लिए, मुख्तलिफ चीज़ें इसके ऊपर लगाई, और इन्होंने लोगों ने यहाँ पे इन चीज़ों को परचेज किया है। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तानी है। उसके अलावा ये काफ़ी पाकिस्तानी काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी, इसको भी यहाँ से फंडिंग मिली थी। ठीक है, तो फ्लिपर्स कहते हैं आज जो भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों ने अपने कल आप लोगों ने अपना टेस्ट के ऊपर टाइम पर आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, कुछ आता हो या ना आता हो आपने उस टेस्ट को देना है, ताकि हम लोग इवेल्युएट कर सकें कि आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छी मिली है या नहीं मिली है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। उसके अलावा सब लोगों ने जो है वो टेस्ट वेस्ट यहाँ पे देना है। उसके अलावा ट्राई करते रहें, फाइवर को ट्राई करते रहें, और क्या होता है, अपवर्क को ट्राई करते रहें, फ्रीलांसर को ट्राई करते रहें। ठीक है, ट्राई करेंगे ही तो रिजल्ट मिलेगा, ट्राई नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत में ही वो क्या है, एक मशहूर सा कौल है, मेहनत में अजमत है। ठीक है,
सर हम एम्ब्रॉयडरी ड्रेस, बिल्कुल आप एम्ब्रॉयडरी ड्रेस को भी आप यहाँ पे इवन सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए भी होंगे। ठीक है, कल का टेस्ट डिटेल नेचर का होगा अमीर अहमद शेख। डिटेल में कैसे हो सकता है, एमसीक्यू जो होता है वो जनरल क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि 50-500 वर्ड का आर्टिकल लिख कर दो, आपसे बेसिक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू उस टाइप का। लिमिट तो नहीं है, प्रोडक्ट बाद में देने की, डेफिनेटली वहाँ पे लिमिट होता है। आप उसको फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं इस मई के अंदर पैसे जमा करूँगा, जून के अंदर प्रोडक्ट बनाऊँगा, जुलाई के अंदर मैं प्रोडक्ट को डिलीवर करना शुरू करूँगा, तो ये आप सब कुछ वहाँ पे डिटेल में बताते हैं। सर आप लग रहे हैं, सर आप, मैं भूजा भूजा लग रहा हूँ? नहीं, मैं भूजा भूजा नहीं लग रहा हूँ, असल में मैं आज सुबह सुबह सब्जी मंडी चला गया था तो मैं ज़रा थका हुआ हूँ। अगर मैं कहीं मुल्तान आया, नहीं जी मैं आपसे नहीं मिलूंगा। ठीक है, आपने कोई असाइनमेंट्स की हैं? असाइनमेंट की होती तो मैं सोचता आपसे मिलने का। ठीक है जी, मैं सर जैसे आपने डिटेल में पढ़ाया, इतनी डेफिनेटली जो मैंने चीज़ आपको पढ़ाई है ना, बल्कि मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया ना, इसमें से 50% कोर्स जो है वो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया। जैसे फेसबुक वाली चीज़ नहीं थी हमारे कोर्स में, वर्डप्रेस की कोई भी चीज़ हमारे कोर्स में नहीं है, शॉपिफाई हमारे कोर्स में नहीं है, और क्या क्या चीज़, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई हैं। तो 50% जो आपको पढ़ाया है ना, जैसे कि वो मैंने आपको साथ स्लाइड शेयर करता है, जैसे यूट्यूब की स्लाइड शेयर की थी, यानी कि उससे पढ़ाया था, ब्लॉगिंग पढ़ाई थी, SEO पढ़ाई थी, उसमें से आएगा आपका जो टेस्ट है, क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल कोर्स है। एक्स्ट्रा चीज़ों मैंने आपको जो पढ़ाई है उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगेन से कह रहा हूँ, आप बेसिक क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइवर के ऊपर कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपके पास कितना वॉच टाइम होना चाहिए, कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि SEO की कितनी टाइप्स हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं, या आपसे वो ये पूछ सकते हैं फेसबुक पिक्सल्स क्यों यूज़ होते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कस्टमर अवतार क्या चीज़ होती है। ठीक है, आंसर भी लिखे हुए होंगे, आपने सिर्फ बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। सर वैसे हम सबसे एक बार मिले, हमारा हक है आपसे मिलकर। सर आप किस सेंटर में होते हैं? मैं जो होता हूँ वो खाने वाल सेंटर में होता हूँ। खाने वाल जो है मुल्तान से कितने दूर है? मुझे तकरीबन 40 मिनट लगते हैं ड्राइव करके जाता हूँ। तो बिल्कुल कोर्स की जो इंडेक्स अपलोड है वहाँ से देख लें, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। वो आपसे ही पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ईमेल कलेक्शन करने के लिए आप कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। हम मेल चिंप को चूज़ करते हैं, वो आपसे ही पूछ सकते हैं कि टोफो के अंदर क्या करते हैं, तो आप उसमें कहेंगे हम उसके अंदर अवेयरनेस देते हैं। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अवेयरनेस किस किस तरह से देते हैं, तो आप उसके अंदर बता सकते हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपसे ये पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मोफू के अंदर क्या चीज़ होती है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। वो से पूछते हैं बोफू के अंदर क्या चीज़ होती है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक ये टफ क्वेश्चन क्या है, इतने बेसिक बचकाना किस्म के क्वेश्चन है। ठीक है जी, हमारा आज का लेक्चर सर आपसे मुलाकात होती है। आई डोंट थिंक सो कि कल मैं आऊँगा। कल आपके जो हैं वो कौन होंगे? कल आपके जो हैं वो लैब मैनेजर होंगे, वो आपके साथ आपके लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, डीजी खान वाले डीजी खान के साथ कर देंगे, रहीम खान वालों के साथ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कल मैं आऊँगा, अभी मेरी क्लास होगी भी नहीं। हम मिलेंगे परसों। ठीक है, परसों फिर कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो सीखेंगे सर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अल्लाह हाफिज़ का मैसेज करते हैं, ताकि कोई अटेंडेंस में वेरिफिकेशन करनी हो तो हम आपके कमेंट से पढ़ लें कि आप वाकई में ही यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, यह ट्रीट तो आप लोगों को देनी चाहिए। आप सब लोगों ने तकरीबन $1,000 से ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं,
आप लोग मुझे ट्रीट दें।